हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो मैं आपके साथ आज बहुत अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि भंडारे में बनने वाले इतने टेस्टी खाना कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, मेरे घर पे ही भंडारा हो रहा था और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी ये प्रोसेस। तो मैंने सोचा मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैं ये शेयर करूँ, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये सब कैसे बनाया जाता है, तो हम इसे घर पर भी बना सकेंगे। तो गाइस, मैंने सबसे पहले तो वहाँ पे जो लेडीज़ थी उनसे डिस्कस किया, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से बनाना आता है ये सब। तो मैं इनकी वॉइस रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन मैं इसको अपने वीडियो में नहीं डाल पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी था आसपास, तो सारी आवाज़ें उस वीडियो में आ रही थी। तो मैं आपको खुद ही अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने इनसे जो रेसिपी पूछी वो कैसे बनाई है। तो गाइस, ये जो बाफले बन रहे हैं ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, मैंने आपको दिखाए, तो ये इतने सॉफ्ट कैसे बनते हैं। तो मैंने ये हलवाई भैया हैं ये बता रहे हैं अभी कि इसमें हमने क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले ना ये 1 किलो आटे के हिसाब से बताया इन्होंने मुझे, तो आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1 किलो आटा लिया है, मोटा वाला आटा, उसके अंदर इन्होंने 200 ग्राम सूजी ली है, और उसके बाद में इन्होंने 200 ग्राम ही तेल लिया है, और उसके बाद हल्दी ली है, उसके बाद में एक बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना करछी, वो भर के इन्होंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था, और मीठा सोडा डालने के बाद इसमें इन्होंने नमक डाला, उसके बाद अजवाइन डाली, उसके बाद खड़ा धनिया डाला, उसके बाद इन्होंने इसमें डाला है जीरा। तो ये सभी चीज़ें मिला के और इसको पानी से आटे को गूंद लिया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें और नहीं डली है हल्दी के कारण इसका कलर इतना सुंदर सा आ गया है। और इसको पूरा आटा लगाने के बाद इसके बड़े बड़े बॉल्स बनाए और गर्म पानी में इसको उबाल लिया। तो ये देखिए, उबालने के बाद जो हमको मिला वो इस तरह से हमको ये मिला। इसको इन्होंने कट करा है बड़े बड़े पीसेस में, और अब ये इसको तल रहे हैं घी में। तो ये देखिए, यहाँ पे ये घी में तला रहे हैं और इस तरह से इसको तलते हैं। तो ये तलने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्प हो जाते हैं, मतलब ये बाहर से तो बहुत ही क्रिस्प होते हैं और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा रेसिपी। उसके बाद ना इन्होंने दाल भी बनाई थी, तो दाल की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। इन्होंने मुझे दाल की जो रेसिपी बताई है उसमें इन्होंने 8 तरह की दालें ली है। उसमें उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, मूँग की दाल है, छिलके की दाल है, काली उड़द की दाल है, मतलब 8 तरह की दालें ली हैं। उसमें चने की दाल है, तो आप 8 तरह की दालें ना ले सकें तो 2-3 तरह की दाल भी ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सिंपल इसको खड़े मसालों से तड़का लगाया है, और तड़के में इन्होंने हींग डाली है, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हल्दी डाली है और नमक डाला है, और कड़ी पत्ता, तेज पान और बड़ी इलायची, लौंग, इन सब खड़े मसालों से इन्होंने इस दाल में तड़का दिया है, और बहुत देर तक इसे उबाला गया है, जिसके बाद इसका कलर इस तरह से आया है। और इसमें कसूरी मेथी भी डाली गई थी लास्ट में, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं घर पे। और गाइस, ये देखिए, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कढ़ी भी बन रही थी, तो कढ़ी की रेसिपी मैंने अंकल से पूछी, तो अंकल ने मुझे बताया कि सबसे पहले इन्होंने तेल लिया, फिर उसमें इन्होंने सरसों के जो बीज होते हैं ना, सरसों डाला, उसके बाद इन्होंने डाला हमारा अजवाइन और सरसों, ये दोनों डाल के इन्होंने अच्छे से पकाया, उसके बाद इन्होंने मेथी दाना डाला। तो तीनों की क्वांटिटी इन्होंने बताई है कि इक्वली रखना है। उसके बाद में इन्होंने इसमें तेज पत्ता डाला है, और उसके बाद हरी मिर्ची को पीस करके और उसका पेस्ट डाल दिया है, और हरी मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद इन्होंने इसमें छाछ और घुला हुआ बेसन उसका घोल करके इन्होंने रखा था। तो ये तड़के में इन्होंने फिर ये बेसन और छाछ का घोल डाल दिया था, उसके बाद इन्होंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया था, जिसके बाद ये कढ़ी इस तरह से कुछ दिख रही है। इसमें हल्दी डाली हुई है, इसके कारण सब कलर इतना सुंदर आ रहा है। और आंटी मुझे बता रही थी कि इसमें पकौड़े भी डाले जा सकते हैं, पर अभी ये भंडारे का खाना है तो ये वाफले के साथ में पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनती है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली कढ़ी जैसा बना रहे हैं। चाहे तो आंटी बता रही थी कि इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो छाछ के कारण ये खट्टी है, और शक्कर के कारण हल्की सी मीठी हो जाएगी, तो ये खट्टी मीठी कढ़ी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में जो आंटी ने बताया कि हमने चटनी भी तैयार की हुई थी, तो मैं आप चटनी भी देख लेती हूँ।
ये देखिए चटनी बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसका ग्रीन कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आंटी से मैंने पूछा, आंटी ने बताया है कि इसमें इन्होंने पालक, हरा धनिया, पुदीना ये तीनों पत्ते पूरे अलग करके और इनको पीस लिया था। फिर इसके अंदर इन्होंने हरी मिर्ची डाली है, सिट्रिक एसिड डाला है मतलब नींबू का सत, और इसके अंदर डाली है शक्कर और नमक और जीरा। तो ये सब मिला करके इन्होंने पानी डाल के इसको पीस कर ही और चटनी बना ली है। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए मेरे चैनल पे, रेसिपीज़ हैं, मेरे मिनी व्लॉग्स भी हैं, तो आप ज़रूर देखिए मेरे मिनी व्लॉग्स और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे लाइक ज़रूर करिएगा।